हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैं टॉपिक तो नहीं कहूँगा, इक्विपमेंट कहूँगा, और जिसके अंडर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसमें बेसिकली बॉयलर है ये। और मैंने आज कुछ भी ये, क्योंकि बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे एग्ज़ाम्स की वजह से, बहुत सारे टॉपिक्स की वजह से, तो मैंने ये सब चीज़ें मैंने सोचा कि आपको एक बार कवर करें। थोड़ा लेंदी होगा, मैंने पिक्चर्स वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं, लेकिन बॉयलर का ऑलमोस्ट जितने भी सर्वेयर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो सब कवर हो जाएगा। बॉयलर का स्टार्ट करेंगे एफिशिएंसी से लेकर के, बॉयलर का ड्रम सिलिंड्रिकल क्यों होता है, कितने अलार्म्स और ट्रिप्स हैं बॉयलर में, बॉयलर ब्लो डाउन कैसे करते हैं, स्कम ब्लो डाउन कैसे करते हैं, माउंटिंग्स क्या क्या हैं बॉयलर के, ये सारे टॉपिक्स जो सर्वे बॉयलर से पूछ सकता है वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। थोड़ा लेंदी होगा, प्लीज स्टिक टुगेदर, रहिए हमारे साथ, हम लोग इसको कवर करते हैं आज। और दूसरी चीज, अगर कोई भी इसमें टॉपिक छूट गया है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो मुझे पिंग कर दीजिए, एंड मैं आपको पर्सनली नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो हम लोग आज इसको कवर करते हैं। ये मैंने अलग अलग जगहों से मैंने कंपाइल किया है, मेरे एडिटेड नोट्स हैं, नॉट माई एक्सक्लूसिव नोट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो बॉयलर बेसिकली, मैं उतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन एस्पेक्ट से मैं कवर कर रहा हूँ। मैं बॉयलर आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अ बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल। देखिए, बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल यूज्ड टू बॉयल वाटर टू प्रोड्यूस सेचुरेटेड और सुपर हीटेड स्टीम। तो सेचुरेटेड और सुपर हीटेड स्टीम बनाता है बॉयलर, ये बात क्लियर। एफिशिएंसी क्या होगी बॉयलर की, 80-85% एफिशिएंसी होती है। अभी बॉयलर क्या होता है, हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड लो प्रेशर रेंज का, तीन बॉयलर होता है, ठीक है। अगर बात की जाए बॉयलर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये है फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ स्टीम हीट एनर्जी सप्लाइड बाय फ्यूल इनटू 100, ठीक है। तो इससे हमें जो है एफिशिएंसी मिल जाएगा हमें। अभी बात करते हैं हम बॉयलर माउंटिंग्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफन पूछा जाता है सर्वेयर्स के द्वारा, और मैं ये माउंटिंग्स को इंडिविजुअली कवर नहीं करूंगा, अदरवाइज टेक्स्ट बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। देर आर सेवन मेन माउंटिंग्स ऑन अ बॉयलर शेल, सेफ्टी वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व, वेंट वाल्व, प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, फीड चेक वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये भी है कुछ, तीन ब्लो डाउन वाल्व, ठीक है, सैम्पलिंग कॉक एंड लो लेवल अलार्म, ठीक है। सो ये सारे माउंटिंग्स हैं बॉयलर के, प्लीज इसको याद कीजिए। व्हाई मोस्ट बॉयलर ड्रम्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप, ठीक है। देखो, सरफेस से जब भी हम बात करते हैं ना, तो सरफेस से जो है हीट जो है हमेशा लॉस होता है, तो ये जो मिनिमम हीट लॉस है ना, वो किसमें हम अचीव करते हैं, स्फेयर से, ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया, जो जो क्योंकि हीट क्या है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया से। अगर आप टी को कप में नहीं पी के सॉसर में लेके पियोगे, सो उसमें वो जल्दी ठंडा होता है, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो हीट डिसिपेशन मोर होगा, तो ये जो इसी वजह से आप देखोगे कि जो मैनहोल डोर्स भी होते हैं उसका भी रीजन इससे लिंक्ड है, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया वहां पे मिनिमम कंसिडर किया जाता है। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं, सो इफ आई टॉक हियर ऑल्सो, देन सरफेस एरिया इज मिनिमम, सो विच मीन्स द हीट लॉस इज लेस, क्योंकि हमें हीट ही जनरेट कर रहे हैं ना बॉयलर में, हमें हीट ही चाहिए बेसिकली। स्फेयर इज द बेस्ट डिजाइन पॉसिबल एट एज इट नॉट ओनली रिड्यूस द हीट लॉस बट ऑल्सो विदस्टैंड एक्सट्रीम प्रेशर। बट प्रैक्टिकली स्फेयर बॉयलर ड्रम इज हार्ड टू कंस्ट्रक्ट, लेकिन प्रैक्टिकली जो है, आप देखोगे डायग्राम में जब भी हम बना रहे हैं स्फेरिकल बना रहे हैं, हमेशा वाटर ड्रम, स्टीम ड्रम नीचे, डाउन कमर्स, पूरे वो जो कनेक्ट करते हैं, हम लोग स्फेरिकल शेप में बनाते हैं, लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअली में इन रियलिटी, क्यों, क्योंकि बहुत ही हार्ड कंस्ट्रक्ट करना उसको बहुत डिफिकल्ट है और वो कॉस्टली अफेयर है, ठीक है। तो इसी वजह से सिलिंड्रिकल ड्रम हम कंसीडर करते हैं। तो बॉयलर आपने अगर शिप पे देखा होगा, दैट मस्ट बी सिलिंड्रिकल इन शेप। अभी वो क्योंकि कॉम्पोजिट बॉयलर होते हैं तो आपको नहीं दिखेगा अंदर एक्चुअली में क्या शेप है, वो चीप भी होता है और प्रैक्टिकल टू कंसीडर है, तो इसी वजह से। सो डोंट गेट कंफ्यूज, बॉयलर्स शुड बी, जो ड्रम्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होना चाहिए, लेकिन स्फेरिकल शेप इज नॉट प्रैक्टिकल टू कंसिडर
कंस्ट्रक्ट, सो इसी वजह से हम सिलेंड्रिकल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी हम अलार्म्स एंड ट्रिप्स हम देखने जा रहे हैं कि बॉयलर्स में क्या क्या अलार्म्स हैं और क्या क्या ट्रिप्स हैं। ये सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, माइंड इट। सो अभी अगर मैं बात कुल अलार्म्स और ट्रिप की, सो ए जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसके सामने मतलब वो अलार्म है, और अलार्म और ट्रिप मतलब टी से ट्रिप है। तो लो, ये दो अलार्म हो गए, यानी लो वाटर लेवल और हाई वाटर लेवल। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मैंने दोनों को साथ में कंसिडर कर लिया है। तो आप देखिए, ये लो वाटर लेवल में भी अलार्म होगा, हाई वाटर लेवल में भी अलार्म होगा। ये वाटर लेवल किसका? ड्रम का। अभी मैं दूसरी अगर बात करूं, लो वाटर लेवल अलार्म भी होगा, ट्रिप भी होगा। हाई वाटर लेवल अलार्म भी होगा, ट्रिप भी होगा। लो स्टीम प्रेशर ओनली अलार्म, ठीक है। हाई स्टीम प्रेशर अलार्म एंड ट्रिप बोथ। क्यों? क्योंकि हाई स्टीम प्रेशर होगा तो मतलब वो डेडली सिचुएशन की तरफ हम अचीव कर रहे हैं ना। लो हो गया तो हमें तो बॉयलर रन ही करना है, तो ट्रिप करके क्या होगा? तो ये कॉमन सेंस लगाने का, ठीक है। सो अगर अभी मैं बात करूं, फिर अगले अलार्म की बात करूं, इधर आ जाइए। लो फीड वाटर प्रेशर सिर्फ अलार्म होगा, लो फ्यूल ऑयल प्रेशर अलार्म, लो फ्यूल ऑयल टेम्परेचर अलार्म, हाई फ्यूल ऑयल टेम्परेचर अलार्म, यहाँ पे भी दो अलार्म है। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं, लो कंबशन एयर प्रेशर अलार्म एंड ट्रिप, लो एटमाइजिंग स्टीम प्रेशर अलार्म एंड ट्रिप। अभी मैं फ्लेम फेलियर की बात करूं तो इसमें अलार्म भी होगा और ट्रिप भी होगा। बर्नर नॉट इन फायरिंग पोजिशन अलार्म एंड ट्रिप। अभी तो ये सारे अलार्म्स थे टोटल ऑलमोस्ट, ठीक है, मैंने दो दो करके भी लिखे उसमें, तो अराउंड 15-16 अलार्म्स हैं। व्हाई बॉयलर ब्लो डाउन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉयलर ब्लो डाउन क्यों रिक्वायर होता है। अब ब्लो डाउन वाल्व इज यूज्ड टू रिमूव इंप्योरिटीज। अभी इंप्योरिटीज में क्या क्या आता है? स्लज और सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम द बॉयलर शेल। बॉटम ब्लो डाउन वाल्व इज यूज्ड टू एम्प्टी द बॉयलर ड्रम फॉर मेंटेनेंस और टू रिमूव बॉयलर। सो देखो, दो तरह के ब्लो डाउन होते हैं, एक बॉयलर ब्लो डाउन और एक स्कम ब्लो डाउन और बॉटम ब्लो डाउन। तो स्कम ब्लो डाउन जो टॉप में इंप्योरिटीज हैं, विच इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर लेवल, दैट वी आर डूइंग व्हेन वी आर यूजिंग स्कम ब्लो डाउन वेल, देन इट इज कमिंग ऑल्सो और स्कम ब्लो डाउन, बोथ आर सेम थिंग। व्हेन वी आर यूजिंग द बॉटम वेल्व टू टेक आउट द सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो होता है वो हम हो गए बॉटम ब्लो डाउन। तो क्या क्या रीजंस हैं? रीजंस अगर मैं बात करूं, इनलिस्ट कर दूं इसी चीज को मैं पॉइंट्स में, तो टू रिमूव द प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल एडिशन टू द बॉयलर वाटर, टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल डर्ट फोम और ऑयल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बॉयलर वाटर, दिस इज मेनली डन बाय स्कम वाल्व एंड द प्रोसीजर इज नोन एज स्कमिंग, टू रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ वाटर बाय रिड्यूसिंग द वाटर लेवल, टू रिमूव एक्सेस वाटर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये एक्सेस वाटर हम रिमूव करते हैं इमरजेंसी के केस में। अभी देखो, कुछ कुछ क्या होता है कि हम मैनुअली वाल्व को खोल के हम ब्लो डाउन करते हैं, तो इसे हम इंटरमिटेंट या मैनुअल ब्लो डाउन कहते हैं। बट नाउ अ डेज, बिकॉज यू सी टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, सो वी हैव ऑटोमेटिक ब्लो डाउन एज वेल। सो व्हेन बॉयलर ब्लो डाउन इज डन मैनुअली बाय द बॉयलर ऑपरेटर एट रेगुलर इंटरवल अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड ऑपरेटिंग फ्लो, इट इज नोन एज मैनुअल ब्लो डाउन। दिस टाइप ऑफ ब्लो डाउन इज यूजफुल टू रिमूव स्लज फॉर्मेशन और सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम द बॉयलर। दिस टाइप ऑफ blowdown comes handy when there is an ingress of ingress in the boiler water due to leakage in the heat exchanger. Using manual sclumming, the oil present in the water surface can be taken out. Even when there are some oil, there are chances that it will get mixed, so that will float, because oil will float on the top. So what will happen because of the density difference? So we are doing it by scum blowdown, as we have discussed earlier. Now this is continuous blowdown. Many modern boilers are nowadays provided with blowdown automation. They allow the continuous blowdown of the boiler water, which helps in keeping the dissolved and suspended solid. Now under boiler operating limit, this system is known as continuous blowdown. ठीक है, अभी जो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि मैनुअल ब्लो डाउन और कंटिन्यूअस ब्लो डाउन में अगर आपको पूछा जाए डिफरेंस, तो मैनुअल ब्लो डाउन का आप एक मेजर सेटबैक ये है कि उसमें हीट इज लॉस्ट ड्यू टू हीट हॉट वाटर गोइंग आउट ऑफ द वाटर ड्रम, बिकॉज वी आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट मैनुअली, सो हीट लॉस होता है उसमें, क्योंकि हॉट वाटर मैनुअली हम बाहर जाने के चांसेस होते हैं।
स्टिल देर इज अ सिग्निफिकेंट हीट एंड प्रेशर लॉस, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हीट और प्रेशर दोनों की लॉस होते हैं मैनुअल ब्लोडाउन में। अभी इसमें क्या है, ऑटोमेशन मॉनिटर्स द ब्लोडाउन कंटिन्यूअसली एंड इन टर्न चेक्स द क्वालिटी ऑफ फीड वाटर। वो क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ फीड वाटर भी चेक करके मॉनिटर करता रहता है अपने आप, कितना अनडिजॉल्व्ड इंप्योरिटीज है। अकॉर्डिंगली इट विल ऑटोमेटिकली ओपन द ब्लोडाउन वाल्व्स। ओके, इफ द बॉयलर वाटर टीडीएस एक्सीड्स द परमिशेबल ऑपरेटिंग लिमिट, अगर बॉयलर वाटर का लिमिट जो एक्सीड हो जाता है, एज द ब्लोडाउन वेल्स आर प्रिसाइजली कंट्रोल्ड, द वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्लोडाउन रिमूव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व इंप्योरिटीज विथ मिनिमम हीट एंड वाटर लॉस फ्रॉम द बॉयलर वाटर, मेंटेनिंग द बॉयलर एफिशियंसी। मोस्ट ऑफ द बॉयलर विथ कंटिन्यूअस ब्लोडाउन ऑटोमेशन आर फिटेड विथ हीट रिकवरी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि हीट रिकवरी सिस्टम भी होता है कंटिन्यूअस बॉयलर ब्लोडाउन में, ठीक है। द हॉट वाटर फ्रॉम द बॉयलर ब्लोडाउन इज फर्स्ट सेंट टू अ हीट एक्सचेंजर यूनिट व्हिच यूटिलाइजेस द हीट ऑफ द वाटर। ओके, फॉर एग्जांपल टू प्री हीट द फीड वाटर बाय इंस्टॉलिंग द हीट एक्सचेंजर और हीट रिकवरी इक्विपमेंट इन द पाथ बिफोर इट गोज ओवरबोर्ड। नाउ बिफोर टेकिंग द वाटर टू द ओवरबोर्ड इन कंटिन्यूअस ब्लोडाउन वी ऑल्सो हैव अ सिस्टम व्हिच व्हाट इट डज, इट यूटिलाइजेस द हीट। ओके, प्री हीट द फीड वाटर, वी आर प्री हीटिंग द फीड वाटर एंड देन इट गोज टू द ड्रम। ओके, द चॉइस ऑफ ब्लोडाउन सिस्टम दैट इज आइदर मैनुअल और कंटिन्यूअस और ऑटोमेटिक विल डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर एंड द ब्लोडाउन वाल्व विल बी फिटेड विद द सूटेबल। सो दिस इज द अरेंजमेंट। सो इन नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द ब्लोडाउन। सो बिफोर दैट please look at the valve numbers. Okay, now this 4 and 5 will obviously be related to the scum blowdown. Okay, this lower valve will obviously related to the bottom blowdown. Okay, the 2 and 3 and 4 and 5. So one is the overboard valve. Please remember the sequence because I'll be taking the number, valve number, to tell you the procedure for the blowdown. Okay, before that there is also one more important point, is quantity of blowdown water, feed water into 100% percentage of blowdown. How to calculate the percentage of blowdown? So this is the formula. Okay, quantity of blowdown water upon quantity of feed water into 100 is equal to percentage of blowdown. Okay, now steps to we are going to discuss steps to blowdown procedures are as follows. Open the overboard or ship side valve one first. So first hum logo ne one valve ko khol diya, overboard valve. Fir blowdown valve 2, this valve is non-return valve. So, ये हम blowdown valve 2 पहले खोल रहे हैं, ठीक है? अगर हम bottom blowdown कर रहे हैं, तो पहले हमने ship side valve खोल दिया 1, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? Number 2 valve खोल रहे हैं, okay? Which is non-return valve, please remember it. The blowdown valve adjacent to the boiler 2 should be opened fully so as to prevent cutting of the valve seat or the wire drawing effect. So, पहले हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने बॉयलर 2 वाल्व का जो एडजेसेंट में वाल्व है उसको हमने पहले फुल्ली खोल दिया। क्यों? क्योंकि नहीं तो वायर ड्रॉइंग इफेक्ट होगा। वायर ड्रॉइंग इफेक्ट जो सीट वाल्व के सीट को जो डैमेज कर देता है, ठीक है। द रेट ऑफ ब्लोडाउन इज कंट्रोल्ड बाय द वाल्व 3, और वाल्व 3 जो इंटरमिटेंट वाल्व है, जो यानी बीच में है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। आफ्टर ब्लोडाउन क्लोज द वाल्व इन रिवर्स ऑर्डर। तो पहले जो हमने सबसे पहले खोला उसको हम सबसे पहले बंद करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम ये चीज, तो रिवर्स ऑर्डर में फिर हमें अ हॉट ड्रेन पाइप इवन वेन ऑल वाल्व्स आर क्लोज इंडिकेट्स अ लीकिंग ब्लोडाउन वाल्व। ओके, एक हॉट ड्रेन पाइप होता है जो कि हमें ये बता देता है कि ड्रेन वाल्व लीक तो नहीं कर रहा है। इफ द बॉयलर ब्लोडाउन इज ब्लोडाउन फॉर इंस्पेक्शन, फर्स्ट द फायरिंग नीड टू बी स्टॉप्ड। अगर आप बॉयलर ब्लोडाउन इंस्पेक्शन के लिए कर रहे हो, आप सेडिमेंट्स को रिमूव करने के लिए नहीं कर रहे हो, या फिर स्कमिंग जो कर रहे हो, वो जो फ्लोट कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए नहीं कर रहे हो, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू रिमूव इट। ओके, तो फर्स्ट सॉरी रिमूव वी हैव टू फर्स्ट फायरिंग नीड टू बी स्टॉप्ड, ऑब्वियसली कूल ऑफ द बॉयलर, ओपन द बॉयलर वेंट प्लग व्हिच विल अलाउ नेचुरल कूलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इंश्योर द ओवरबोर्ड वाल्व नॉन रिटर्न इज फंक्शनिंग प्रॉपरली सो दैट नो सी वाटर कैन एंटर द बॉयलर पाइपलाइन। सो कोई भी सी वाटर अंदर बॉयलर पाइपलाइन में नहीं आना चाहिए, दैट इज अ नॉन रिटर्न वाल्व टाइप।
इट विल क्रिएट अ वैक्यूम ड्यू टू सडन स्टीम कूलिंग लीडिंग टू अ पाइप बर्स्ट। क्यों ये नॉन रिटर्न वाल्व होता है? क्योंकि सी वाटर बाहर ठंडा होगा एज कंपेयर टू द बॉयलर वाटर जो ब्लो डाउन से जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वैक्यूम क्रिएट होगा और पाइप बर्स्ट हो सकती है। वंस द बॉयलर ब्लो डाउन इज कंप्लीटेड, ओपन द बेली प्लग टू रिमूव द रिमेनिंग कंटेंट इन द इंजन रूम बिल्जेस। ओके, बेली प्लग हम खोल देंगे। मेक श्योर टू डू स्कम ब्लो डाउन बिफोर बॉटम ब्लो डाउन। पहले हमें स्कम ब्लो डाउन करना है, बिकॉज जो ऊपर वाले पार्टिकल है पहले वो रिमूव हो जाए, देन वी वॉन्ट टू डू, अदरवाइज वो पार्टिकल्स वो मिक्स होने के चांसेज है और आके फिर से वो सेटल हो जाएगा। और अगर कोई उसमें ऑयल का कंटेंट होगा तो वो क्या होगा, उसके चांसेस हैं कि वो एजिटेट हो जाएंगे, ठीक है, वो मिक्स हो जाएगा, चर्न हो जाएगा। तो अभी हम अगला टॉपिक वो डिस्कस करने वाले हैं, वो बॉयलर वाटर टेस्ट। बॉयलर वाटर टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वेयर्स हमेशा ही पूछते हैं, ठीक है। पहले सैंपलिंग के बारे में, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकता है। बॉयलर वाटर टेस्ट करने के लिए हमें सैंपल लेना पड़ेगा, तो सैंपल हमें कैसे लेना है? द फर्स्ट फेज इन बॉयलर वाटर टेस्टिंग इज टू कलेक्ट फीड वाटर सैंपल फ्रॉम द बॉयलर कंसर्न। ऑलवेज टेक वाटर सैंपल फ्रॉम द सेम प्लेस। हमेशा जो है सैंपल, जब भी आप एक बार टेस्ट हम वो दैट इस जगह से ले लिया पानी, दूसरी बार किया हमने दूसरी जगह से, नो, वी हैव टू टेक फ्रॉम सेम प्लेस। नाउ टेस्ट सैंपल यूजुअली कूल्ड, उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे कूल करना है विद अ सैंपल कूलर। दिस इज डन टू प्रिवेंट फ्लैशिंग विच कंसेंट्रेट द सैंपल। इफ द सैंपल इज कलर्ड और टर्बिड, फिल्टर पेपर शुड बी यूज बिफोर टेस्टिंग। सो अगर वो कलर्ड है या टर्बिड है तो फिल्टर पेपर यूज करना है, और अगर लेकिन फिर भी फिल्टर करने के बाद भी वो सेम रहता है तो वापस उसी फिल्टर पेपर को यूज करना है, क्योंकि एक बार फिल्टर पेपर यूज करने के बाद उसकी जो कंसेंट्रेशन है ना वो बढ़ जाती है। ओके, इट विल बिकम मोर रिटेंटिव आफ्टर द सेकेंड फिल्टरेशन, क्योंकि ये देखो सेकेंड फिल्टर। अलाउ द वॉटर टू फ्लो फ्रॉम सैंपल कॉक बिफोर टेकिंग द सैंपल। थोड़ा सा पानी हमें निकालना है हमेशा सैंपल लेने से पहले, क्योंकि वहां पे जो डिपॉजिट होगा वाल्व के पास में वो रिमूव हो जाएगा, ताकि हमें रॉन्ग रीडिंग ना मिले, लाइन क्लियर हो सेडिमेंट से। द परफेक्ट लोकेशन इन द बॉयलर, कहां से लेना है सैंपल, इज फ्रॉम द सैलिनोमीटर वाल्व। सैलिनोमीटर जो वाल्व है वहां से हम ले सकते हैं, आफ्टर पासिंग अक्रॉस अ सैंपल कूलर मेकिंग। कूलर मेकिंग के बाद जो सैलिनोमीटर वाल्व है वहां से हमें सैंपल लेना है, ठीक है। मेक श्योर दैट द सैंपल लाइन इज फ्लश थ्रू एंड सैंपल बॉटल रिंस कंप्लीटली। बॉटल जिसमें ले रहे हैं वो भी रिंस कंप्लीटली होना चाहिए। अलाउ द वॉटर ओवरफ्लो फ्रॉम द सैंपल बॉटल टू अवॉइड द एयर बींग ट्रैप्ड इन साइड द बॉटल। वो एयर भी ट्रैप नहीं होना चाहिए, बॉटल को आपको ओवरफ्लो करना है, उसके बाद कैप लगा देना है सील करके टाइटली, बिकॉज एयर अगर उसके बीच में अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो एयर क्या कर सकता है, वो एयर आपके सैंपल को कंटेमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम जब बॉयलर वाटर कलेक्ट कर लिया, उसको हमने कूल कर लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हम फिर अपना टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें टेस्ट किट आता है, रॉकेम का, अलग अलग मैन्युफैक्चरर के टेस्ट किट आते हैं, आपने देखे होंगे ऑन बोर्ड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फॉस्फेट टेस्ट। तो 25 ml वाटर ऑफ द फिल्टर्ड बॉयलर वाटर सैंपल, एड 25 ml ऑफ वेनोडोम मोलिबेट रिएजेंट, ये एक रिएजेंट उसमें डाल देना है। फिल कंपैरेटर ट्यूब विद दिस सॉल्यूशन एंड प्लेस इन राइट हैंड कंपार्टमेंट ऑफ द कंपैरेटर। इन लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट प्लेस अ ब्लैंक प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ दिस रिएजेंट एंड डेमोनाइज्ड वाटर। लेट द कलर टू डिवेलप फॉर एटलीस्ट 3 minutes एंड देन कंपेयर विद डिस कैलकुलेशन। फॉस्फेट रिजर्व इन ppm पार्ट्स पर मिलियन फ्रॉम द डिस्क रीडिंग। ओके, तो अभी नेक्स्ट वी गो फॉर सल्फाइड टेस्ट। उसमें भी सेम है, 100 ml का वाटर ले लिया हमने, एड 2 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एड 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन, एड पोटेशियम आयोडाइड आयोडेट सॉल्यूशन टिल सैंपल इज ब्लू इन कलर। ओके, कैलकुलेशन हो गया उसका। द बॉयलर वाटर सैंपल इज मेड मॉडरेटली एसिडिक टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विच आर टेकन टू प्लेस। पोटेशियम आयोडाइड आयोडेट प्रोड्यूस इन ब्लू कलरेशन थ्रू रिएक्शन विच स्टार्च, बट इट हैज अ प्रेफरेंशियल केमिकल रिएक्शन विच सल्फाइट इफ इट इज प्रेजेंट इन द सैंपल। हेंस व्हेन पोटेशियम आयोडाइड आयोडेट
solution has dealt with the sulfate present in then the free to react with the starch present in the sample, producing a blue coloration. It is therefore apparent that the amount of potassium iodide solution is used is direct measure of the sulfate content of the boiler water sample. As far as possible, the atmosphere should be eliminate the test, otherwise an incorrect result may occur. If the test indicate that sufficient reserve of sodium sulfate is present in the boiler water, there is no need to conduct a test of dissolved oxygen. अभी ये chloride test है, फिर alkalinity of phenethylene sample at 2 ml of sulfuric acid, 20 drops of potassium chromate indicator, ये हमें डालना है उसमें. फिर उसके बाद फिर इसमें calculation दिया हुआ है. Chlorides may present in the boiler and it necessary that they may measured at they would indication of salt water leakage into the feed system. क्योंकि वो salt का indication होता है. क्यों? क्योंकि NaCl chloride, sodium and chloride, वही तो salt होता है. तो chlorine अगर है, very dangerous हो सकता है वो, because it can create an acidic medium. Salt जा रहा है हमारे वहाँ पर, अगर free chlorine हुआ तो acidic medium कर सकता है ये. The alkalinity of phenolphthalein sample taken has to be hydroxide and carbonate dealt with. They will play no further part in the test now conducted for chloride. This sample is made definitely acidic by addition of further small quantity of acid. This is to speed up the chemical reaction with next step. Silver nitrate and affinity to potassium chromate and chloride. ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हैं, आप इसको देख लीजिएगा. फिर एल्कलिनिटी है, एल्कलिनिटी में एल्कलिनिटी फेनोफ्थलीन है. 100 ml ऑफ बॉयलर वाटर हमने लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थलीन ऐड कर दिया. N by 50 sulfuric acid to clear the sample. इसका N by 50 calculation यहाँ से आ जाएगा हमें, कितने ppm CaCO3 calcium carbonate. Phenolphthalein कम alkaline होता है, then hydroxide or carbonate, and when it is added to the sample containing hydroxide and or carbonate, it will turn pink in color. वो pink आ जाते हैं color में. The acid used after this coloration will first neutralize the hydroxide. तो फिर इसके बाद जो हम acid डाल रहे हैं, वो क्या कर रहा है? इसको पहले neutralize कर रहा है, forming salt. It will then react with the carbonate molecule present, forming bicarbonate molecule. ठीक है? तो ये हो गया. तो इसका यहाँ पे reaction भी हमें दिया हुआ. Total alkalinity. Take ये भी हमारा यहाँ पे आ गया. तो पहले हमने phenolphthalein का कर लिया था. तो अभी total alkalinity. Take alkalinity of phenolphthalein sample at 10 drops of methyl orange. Result येलो कलरेशन. ओके, सो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया येलो कलरेशन के लिए. उसके बाद फिर हमने क्या किया उसमें, एड एन बाई 50 सल्फ्यूरिक एसिड अंटिल पिंक कलर क्यों नहीं हो जाता है तब तक हम उसमें, हमने उसमें ऐड कर दिया इसको. ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये कैलकुलेशन भी दिया हुआ है हमें यहाँ पर. तो ये कैलकुलेशन के फिर उसका मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज लेस एल्कलाइन. ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है इज लेस एल्कलाइन देन फेनोफ्थ्रीन एंड बाइकार्बोनेट. It can be used initially in place of phenolphthalein or as useful as a continuation after the alkalinity to phenolphthalein test. If no yellow coloration result when the methyl orange is added to the alkalinity to phenolphthalein sample, no bicarbonates are present. Hence, no carbonates are present. Therefore, the alkalinity as determined in the alkalinity to phenolphthalein test has been due to hydroxide alone. Okay. So this is what is all about your tests and all. फिर उसके बाद फिर हमारा caustic alkalinity है जो कि last test. 100 ml sample लेना है आपको boiler water का, उसमें 10 ml barium chloride अपने को add करना है. ठीक है, barium chloride अगर आप add करेंगे उसमें 10 ml का, add 10 drops of phenolphthalein उसमें add करेंगे, result pink coloration, उसमें pink color आ जाएगा. फिर n by 50 से हम calculate कर लेंगे, calculation यहाँ पे दिया हुआ है. In this test, barium chloride is added to the boiler water sample to precipitate all the carbonates which are present. इसमें जितने भी carbonate present हैं, उसके precipitate को करने के लिए दिया है. अभी ये इसका यहाँ पे reaction भी हमें दे दिया. देखो, boiler water में अगर आपको scale formation मिलता है, ठीक है, boiler water में अगर आप if you are finding a scale formation, then we need to add trisodium phosphate. Okay, if oxygen content agar more hai, to sodium sulfide and hydrazine hum add karte hain. I have not added here in the notes, please listen it carefully. Scale ke liye trisodium phosphate, oxygen ke liye sodium sulfide and hydroxide, alkalinity sodium hydroxide, caustic cracking
सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्राइड, ओके, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम नाइट्राइड, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने यहाँ पे आपको ऐड नहीं किया था, तो वो भी आप मेरे ख्याल से देख लीजिए, वो था कि फ्लेम फेलियर, अगर बॉयलर में बार बार फ्लेम फेलियर आता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वो क्या रीजन, सॉरी क्या रीजंस हो सकते हैं फ्लेम फेलियर के, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार सर्वेयर्स पूछते हैं। तो फ्यूल ऑयल इनलेट वाल्व पहले तो चेक कर लो, तो कॉमन सेंस ही बात है कि फ्यूल का सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पहले हमें लाइन पूरा चेक कर लेना है, लाइन फिल्टर फिर हमें चेक कर लेना कि वो तो चोक नहीं है, ठीक है। बॉयलर फ्यूल सप्लाई पंप नॉट रनिंग, हो सकता है कि पंप ही ना चल रहा हो तो फ्यूल कहां से जाएगा, आपने लाइन तो चेक कर लिया लेकिन पंप ही नहीं चल रहा हो। तो सोलेनॉइड वाल्व मैल फंक्शनिंग, तो जो सोलेनॉइड वाल्व है वो मैल फंक्शन हो रहा है, ठीक है। फ्लेम आई मैल फंक्शनिंग, फ्लेम आई मैल फंक्शन कर सकता है क्योंकि उस पर हो सकता है कुछ भी, फ्लेम आई पे कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट हो गया जिसकी वजह से वो मैल फंक्शन हो रहा हो। एयर और स्टीम रेशियो नॉट प्रॉपर, एयर और स्टीम का रेशियो जिससे भी हम रन कर रहे हैं बॉयलर को वो प्रॉपर नहीं हो, जिसकी वजह से एयर फ्यूल का रेशियो नहीं बराबर बन रहा हो, जिसके फ्लेम फेलियर हो रहा है। एफडी फैन फ्लैप्स का मैल फंक्शनिंग, तो एफडी फैन का या तो फ्लैप ये भी मैल फंक्शन हो सकता है, हो रहा हो तो इसकी वजह से भी हो जाएगा। ट्रिप नॉट रीसेट एनी कॉन्टैक्टर, ट्रिप भी रीसेट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले ट्रिप हुआ हो वो हमने रीसेट नहीं किया हो, कॉन्टैक्टर पे जाके रीसेट करना पड़ता है, एक दिया रहता है वहां पे, ठीक है। या फिर मेन बर्नर एटोमाइजर क्लॉग्ड, मेन बर्नर का एटोमाइजर क्लॉग्ड हो, पायलट बर्नर नॉजल क्लॉग्ड, या फिर पायलट बर्नर का नॉजल जो है वो क्लॉग हो, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रोड जो है